बेटा फसल लुटी तो ये थोड़ी भाषा कम हुई। चाचा मैंने देखा ये सामने वाला खेत भी बजट पड़ा हुआ है। क्या करे भाषा कम होती है ना इसलिए। चलो ले आए बीज पर लगा दे। वो बेस्ट रहा टीवी टीवी स्पीकर बेस्ट रहा उर्दू खबर। आपके दादा की उम्र 105 साल की थी, बड़े जान वाले थे, उन्हें नहीं हाथों से खेत बनाए। अच्छा वो तो बड़े जान वाले थे, आप अभी 55 साल की उम्र से ऊपर नहीं गुजरे तो ढीले पड़ने लगे हो। क्या करें ये खाद वाला खाना खा खा के फूला हुआ हूँ तो इसीलिए। कई बार मैंने जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये खाद वाला खाना मत खाया करो। आप सोचते हैं कि जितनी ज्यादा खाद डालेंगे उतनी अच्छी फसल होगी। तो वो कहाँ मर गई जल्दी लाना खाना। साइंस ड्रामा कंपटीशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इसमें बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला और साइंस का कंसेप्ट ड्रामा की शक्ल में पेश करने से बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और बच्चों ने जाकर वहां पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से टीम्स आई हुई थी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट का नाम वहां पर गूंजा जब, तो हमें बहुत खुशी हुई। खास करके हमारे जो 8 पार्टिसिपेंट थे, एक से बढ़कर एक इन्होंने परफॉर्म किया। जो भी रोल इनको दिया गया उसमें ये पूरे खरे उतरे और जिस तरह से एक इम्पैक्ट वहाँ पर डाल दिया और जिससे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वहाँ पर हमारी निकल कर आई। इस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ गाइड पुंछ को, अपने स्कूल की पूरी टीम को और साथ ही साथ सीओ सर को कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर सेकंड पोजीशन पर रहा। थैंक यू। इंडिया साइंस ड्रामा जो कंपटीशन था उसमें हमारी ये टीम जो है जिसने पहले स्कूल लेवल पे कम्पीट किया, उसके बाद जोनल लेवल पे कम्पीट किया, जोनल लेवल पे फर्स्ट आने के बाद ये जो हमारी टीम थी इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट करने के बाद जब वहाँ से ये फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो ये जम्मू के अंदर डिवीज़न लेवल पे कम्पीट करने के लिए गए थे। ये कम्पटीशन जो था ये SCERT की तरफ से वर्दी डायरेक्टर SCERT की देखरेख में किया गया था। तो डाइट का ये इनिशिएटिव था जो गाइडेंस और सुपरविजन डाइट प्रिंसिपल पुंछ की थी, जिन्होंने इसको लगभग अगस्त में शुरू करवाया था बच्चों की प्रिपरेशन। तो इसमें हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट से बॉयज़ हाई स्कूल प्राणीपुंज की जो टीम थी वो फर्स्ट आई और इस टीम को साथ में लेके इनके स्कॉट टीचर सलीम रशी जी और रियाज सर जो है वो जम्मू में गए और बच्चों ने वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म किया और उस परफॉर्मेंस की वजह से ये बच्चे जो है डिविजन लेवल पे इनको सेकंड पोजीशन मिली है और इनके जो एक्टर्स थे उनको लगभग 4 जो है फर्स्ट जो है वो पोजीशंस दी गई अलग अलग इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे कॉस्ट्यूम का पूरी जो है टीम थी उसको दिया गया, इसी तरीके से बेस्ट एंकरिंग मिली इनको, बेस्ट एक्टिंग मिली। तो कुल मिला के बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने। तो हम ये बच्चों को भी मुबारकबाद देते हैं, उसके साथ साथ इनके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को जो इनके स्कॉट टीचर जिन्होंने इनकी प्रिपरेशन करवाई उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और ये गर्व की बात है डाइट पुंछ के लिए कि इस हमारे रिमोट एरिया से एक टीम जो है बच्चों की वो जाके डिविजन लेवल पे परफॉर्म करती है और इतना अच्छा परफॉर्म करके वहां पे जो है ये सेकंड पोजीशन हासिल करती है। तो मैं इन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, इनके टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं और डाइट की तरफ से मैं जो है इन सबका को मुबारकबाद भी देता हूँ। और आने वाले वक्त में जो हमें यकीन है कि ये बच्चे जो हैं आगे भी परफॉर्म करेंगे और मैं जूरी मेंबर्स जो थे अपने जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस अच्छी टीम का जो है चयन किया सिलेक्शन की जिसमें मेरे मुजफ्फर सर जो हैं वो हेड कर रहे थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छी टीम उन्होंने चुन के भेजी जिसने डिवीजन लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया। शुक्रिया।